स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट सेकंड का अपना टॉपिक चल रहा था क्रोमेटोग्राफी। पिछले वीडियो में हमने क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री और क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू देखा था। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी में इसके जो टाइप्स हैं, बेसिक टाइप्स हैं, उनकी बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट टू द स्टेशनरी फेज। यानी जो सैंपल हम एनालाइज करने जा रहे हैं, उस सैंपल को स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के साथ उसका जो इंट्रैक्शन है वो किस प्रकार से उससे इंट्रैक्ट होता है, यानी सेपरेशन का आधार क्या होगा, इस आधार पर हम क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो ये मुख्यतः चार प्रकार से इंट्रैक्शन हमने देखा था: एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी से पहले अपने को एक घटना समझना होगा कि एडजॉर्प्शन हम किस चीज़ को कह रहे हैं। यदि हम बात करें, यहाँ पे तीन टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे: एक एडजॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन और एक सॉर्प्शन। यानी एक अधिशोषण, एक अवशोषण और एक शोषण, ये तीन शब्द यूज होते हैं। जब हम बात करते हैं कि यदि कोई सॉलिड या लिक्विड मटेरियल है, जनरली सॉलिड मटेरियल है, उसकी सरफेस पे कोई गैस या लिक्विड आके संचित होती है, संचित होने का मतलब इकट्ठा होना, एक्युमुलेट होती है, और उसके अंदर जो उसका वॉल पार्ट है उसमें नहीं जाती, वो केवल सरफेस पर एकत्रित होती है किसी भी प्रकार के इंट्रैक्शन के कारण, चाहे वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या कोई केमिकल बॉन्ड बनाते हुए हो, ये किसी भी तरीके से हो, तो इस घटना को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। यानी एडजॉर्प्शन क्या है कि किसी मटेरियल की सरफेस पर किसी अन्य मटेरियल का, गैस या लिक्विड का आकर संचित होना एडजॉर्प्शन कहलाता है। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन क्या है कि अगर ठीक वैसे ही कोई सॉलिड या लिक्विड मटेरियल है, उसके साथ कोई अन्य मटेरियल उसके स्थूल में, उसके पूरे पार्ट में समान रूप से वितरित हो जाए, ना केवल सरफेस पर, उसके अंदर तक समान रूप से वितरित हो जाए, तो इस घटना को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कई बार ये दोनों घटनाएं साथ साथ होती है, तो ऐसी स्थिति में हम एक नई टर्म यूज करते हैं, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ साथ होता है तो उस घटना को कहा जाता है सॉर्प्शन, यानी शोषण। तो अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एडजॉर्प्शन क्या है, यानी किसी मटेरियल पे, किसी अन्य सब्सटेंस का उसकी सरफेस पे आके संचित होना एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है वो मोबाइल फेज जो उसमें है वो लिक्विड या गैसियस एक फेज है जो एडजॉर्ब्ड होगी कोई स्टेशनरी सॉलिड फेज पर। अब यहाँ पर हम इस क्रोमेटोग्राफी को जब हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि कोई सॉलिड एडजॉर्बेंट लेंगे, यानी अधिशोषक, जिसकी सतह पर कोई ये चीज़ अधिशोषित होनी है, एक सैंपल लेंगे, उसको उस पर अधिशोषित करवा दिया। अब एक मोबाइल फेज हम गैस या लिक्विड रन करवाएंगे, तो अगर वो सैंपल में जितने भी कंपोनेंट हैं उनमें से वो कंपोनेंट जो अधिक मात्रा में अधिशोषित होंगे या बढ़िया इंट्रैक्शन, अच्छा आकर्षण रखते हैं किसके साथ, उस सॉलिड स्टेशनरी फेज के साथ, वो लंबे समय तक वहाँ टिके रहेंगे या मैं कहूँ कि कम मूव करेंगे, और मोबाइल फेज के साथ जो अच्छा इंट्रैक्शन रखेंगे या अच्छे से एडजॉर्ब नहीं हो पाए स्टेशनरी फेज पे, वो मोबाइल फेज के साथ जल्दी से रन करेंगे, और इस आधार पर हम इसको कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देते हैं।
तो इसमें सेपरेशन का जो आधार है वो एडजॉर्प्शन है, इसलिए इस क्रोमेटोग्राफी को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या है कि कंपटीशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल मिक्सचर फॉर एक्टिव साइट ऑन एडजॉर्बेंट, यानी एडजॉर्बेंट की जो एक्टिव साइट है जहाँ एडजॉर्प्शन होना है वो साइट्स, उनके लिए सैंपल मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उनमें कंपटीशन होगा कि कौन ज़्यादा डिसोसिएट हो पाएगा। जो ज़्यादा डिसोसिएट होगा वो वहाँ रुका रहेगा और जो नहीं कम हो पाएगा वो आगे खिसकता जाएगा और इस आधार पर सेपरेशन हो जाएगा। और ये एक्टिव साइट्स जो है वो किसी मॉलिक्यूल या किसी सरफेस पर कैसे हो सकती है, क्रैक्स हो सकते हैं यानी टूटी फूटी कटी फटी एजेस बन सकती है, या वैसे भी अगर हम कोई सॉलिड मटेरियल को रखते हैं वो कम स्मूथ होना चाहिए, रफ होगा तो उतना ही ज़्यादा एक्टिव साइट होंगी उस पर क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। अब यहाँ सेपरेशन किस आधार पर होता है कि सेपरेशन अकर्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एन इक्विलिब्रियम इज इन बिटवीन मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड ऑन स्टेशनरी फेज एंड दोज विच आर फ्लोइंग फ्रीली इन मोबाइल फेज। यानी कुछ मॉलिक्यूल तो अच्छे अधिशोषण की दर से उस एडजॉर्बेंट्स पे अधिशोषित हो जाएंगे और कुछ कम अधिशोषित हो पाएंगे, तो वो अधिशोषित जो मॉलिक्यूल हैं अब उनमें से अगर मोबाइल फेज कोई लिक्विड या गैस जब रन करवाएंगे तो कुछ वो उसमें भी जाना चाहेंगे, तो उसके साथ मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के साथ एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। और मोबाइल फेज में जिसका इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो बार बार इक्विलिब्रियम जो है इक्विलिब्रियम में रहते हुए मॉलिक्यूल मूव करेंगे और अलग अलग दूरी तय करेंगे। इस आधार पर जो पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो एफिनिटी है उसके आधार पर मूवमेंट होगा, जिसकी स्टेशनरी फेज के साथ अच्छी एफिनिटी है ज़्यादा एफिनिटी है वो कम मूव करेगा कम दूरी तय करेगा, और जिसकी कम एफिनिटी है वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, इस आधार पर वो अलग अलग हो जाएंगे। अगली आती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पर आधारित है कि जो मटेरियल है जो सैंपल है वो दो जो फेज है स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज उन दोनों के बीच में उनका उसका पार्टीशन होना है, यानी उनके लिए पार्टीशन कोफिशियंट हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग होगा, कोई मोबाइल फेज में ज़्यादा रहना चाहेगा कोई स्टेशनरी फेज में ज़्यादा रहना चाहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने को कि यहाँ पर दोनों ही जो मोबाइल फेज या स्टेशनरी फेज है वो दोनों ही लिक्विड हो सकती है, या मोबाइल फेज गैस और स्टेशनरी फेज लिक्विड हो सकती है। अब स्टेशनरी फेज लिक्विड कैसे हो सकती है, इसके लिए हमें उसको एक स्पॉट प्रदान करना पड़ेगा, एक आधार पर, क्योंकि हम जानते हैं कि लिक्विड वैसे तो रुका हुआ रह नहीं सकता, फ्लो करता ही करता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जैसे एक थिन फिल्म बनाते हैं सॉलिड स्पॉट पे, किसकी, एक लिक्विड की, जो उस सॉलिड स्पॉट पे चिपकी हुई रहती है, और इस ऐसा करके वो स्टेशनरी फेज में आ जाती है यानी स्थाई हो जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक हम कोई सॉलिड सरफेस लेते हैं और उस पे कोई मटेरियल जैसे है उस पे हमने कोई मोबाइल फेज जो लिक्विड थी वो कोटेड कर दी और वो उस पे चिपकी हुई है, एक तरीके से एक थिन फिल्म बन गई उसकी और वो वहाँ पे फिक्स है। अब हम क्या करते हैं कि एक मोबाइल फेज जो हम यूज़ करते हैं वो उस पे से रन करवाते हैं, तो जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है जो सैंपल के कंपोनेंट्स हैं वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में, यानी डिवाइड हो जाते हैं वितरित हो जाते हैं, ये पार्टीशन कोफिशियंट पर इनके आधारित होता है। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में जो सेपरेशन है कंपोनेंट्स का वो किस पर आधारित होता है, उनके पार्टीशन पर। तो स्टेशनरी फेज एक लिक्विड के द्वारा कोटेड होती है जो मोबाइल फेज में इमिसिबल होना चाहिए। कंपोनेंट्स का जो पार्टीशन है बिटवीन लिक्विड या गैस
और स्टेशनरी फेज के बीच में वो द पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल बिटवीन सैंपल एंड लिक्विड स्टेशनरी फेज रिटार्ड सम कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल मोर एज कंपेयर टू अदर, यानी स्टेशनरी फेज में जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं उसका सैंपल कंपोनेंट के साथ कुछ कंपोनेंट के साथ तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, इस वजह से उनका वितरण उसमें ज़्यादा होगा मोबाइल फेज की बजाय, और कुछ का मोबाइल फेज में ज़्यादा होगा, और इस आधार पर वो अलग अलग हो जाएंगे। अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अगर हम टाइप की बात करें तो ये लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो सकती है और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, यानी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों ही लिक्विड है तो वो लिक्विड लिक्विड टाइप की हो जाएगी, और मोबाइल फेज गैस है और स्टेशनरी फेज लिक्विड है तो उसको गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हम बोल सकते हैं। तो आज दो जो टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी इंट्रैक्शन के आधार पर हमने देखे था, एडजॉर्प्शन और पार्टीशन, इन दो की बात हम कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।